आगामी फिल्म मुंबई सागा के डायरेक्टर संजय गुप्ता के फेवरेट एक्शन हीरो बन गए हैं जॉन अब्राहम। क्या इस फिल्म के शूटिंग को हैदराबाद की जगह मुंबई में ही शूट किया जाएगा और क्या वजह है कि गैंग्स ऑफ वसेपुर, मुसाफिर और अब मुंबई सागा जैसी गैंगस्टर फिल्मों के हीरो को मिल रही है इतनी वाहवाही। हेलो दोस्तों, मैं पलक गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका बॉलग्राड स्टूडियोज में। इस वीडियो में हम मुंबई सागा के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि डायरेक्टर संजय गुप्ता किसी समय में सिर्फ संजय दत्त को लेकर ही गैंगस्टर, ड्रग्स, लूटमार और कई इसी तरह की गैर कानूनी धंधों पर फिल्म बनाया करते थे, जिनमें से 2002 में कांटे, 2004 की मुसाफिर और प्लान से लेकर 2011 में आई फिल्म अलीबाग में भी संजय दत्त थे। तो क्या इसे फेवरेटिज्म कहा जा सकता है या फिर संजू बाबा की एक्टिंग स्किल्स और रियल लाइफ से जुड़े उनके कारनामों का नतीजा है जो उन्हें ऐसे किरदारों में सफलता मिली। दौर बदला, कहानियां बदली, फिल्मों में लाचारी, ड्रग्स, गैंगबाजी के अलग अलग चेहरे दिखाए गए और इसी के साथ फिल्म के गुंडे भी बदल दिए गए। जहाँ पुरानी फिल्मों में एक काला कुर्ते में गुंडे के सरदार की एंट्री हुआ करती थी, जिसके गले और हाथ में सोने की मोटी चेन और ब्रेसलेट से उसके काले पैसे और पावर का अंदाजा लगाया जा सकता था, वहीं अब फिल्मों के गुंडे फिट बॉडी पर सूट पहने चमचमाते जूतों के साथ एंट्री मारते हैं। इसे आप मॉडर्नाइज गुंडों का दौर भी कह सकते हैं। लगता है इसी वजह से डायरेक्टर संजय गुप्ता ने अपनी फिल्म में जवान और फिट एक्टर जॉन अब्राहम को लेने का मन बनाया। मुंबई सागा से पहले संजय के साथ जॉन ने शूट आउट अडवाडाला और जिंदा जैसी एक्शन थ्रिलर की थी। फिल्म की बात की जाए तो इसके डायरेक्ट संजय गुप्ता कर रहे हैं, लेकिन इसको प्रोड्यूस टी सीरीज कर रहा है, जिनके साथ जॉन अब्राहम सत्यमेव जयते 2 भी करने वाले हैं। फिल्म मुंबई सागा को अब 2021 की ईद पर रिलीज किया जाना है। फिल्म की शूटिंग के सेट को लेकर एक खबर यह आई थी कि फिल्म को पहले हैदराबाद के रामोजी राव फिल्म सिटी में शूट किया जाना था, लेकिन हालातों को देखते हुए अब फिल्म को मुंबई में ही शूट किया जाएगा। वहीं जब इस फिल्म को बंद करने की नौबत आ गई थी, तब क्यों डायरेक्टर संजय गुप्ता को अपनी पुरानी फिल्म रक्षक की याद आई, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि आप ऊपर बने बेल आइकन को क्लिक करें और हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकते हैं। जहां हैदराबाद वाला उनका स्केड्यूल हो नहीं पाया है, वहीं मुंबई में शूटिंग शुरू होती फिलहाल दिख नहीं रही। ऐसे में अब संजय गुप्ता को ग्राफिक उपन्यास रक्षक पर आधारित फिल्म याद आ गई। फिलहाल तो संजय लगे हुए हैं इस फिल्म की पटकथा तैयार करने में। संजय ने इसे ग्राफिक उपन्यास पर एक हीरो फिल्म बनाने की घोषणा पिछले साल दिसंबर में ही की थी। चार भागों वाले इस उपन्यास की कहानी को संजय एक ही फिल्म में उतारने वाले हैं, क्योंकि उनका इरादा इसका कोई सीक्वल बनाने का नहीं है। बेशक देश में किसी ग्राफिक उपन्यास पर बनने वाली अब पहली फिल्म होगी और इसको लेकर संजय का भी इरादा कुछ ऐसा है कि वह एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बनाने वाले हैं, जिसे दूसरे देश में रिलीज करने पर कोई बदलाव नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा सिर्फ सबटाइटल्स की जरूरत पड़ेगी। इससे पहले संजय अपनी गैंगस्टर फिल्म मुंबई सागा पूरी करेंगे, जिसमें जॉन अब्राहम, इमरान हाशमी, काजल अग्रवाल, सुनील शेट्टी, प्रतीक बब्बर, रोहित रॉय, अमोल गुप्ते आदि कलाकार मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। लगता है सिर्फ जॉन ही नहीं जो संजय के फेवरेट हैं। जी हाँ, काबिल और शूट आउट अडवाडाला में काम कर चुके रोहित रॉय भी उनकी इस लिस्ट में हैं। साथ ही फिल्म जाने तू या जाने ना
और एक दीवाना था फेम प्रतीक बब्बर के लिए भी यह कमबैक फिल्म होगी। प्रतीक जाने माने वेटरन एक्टर और अब राजनेता राज बब्बर के बेटे हैं। फिल्म मुंबई सागा के अभी तक काफी पोस्टर रिलीज हो चुके हैं, जिसमें से एक पोस्टर में बंदूकों से काला धुआं निकलते दिखाया गया है, जो कि फिल्म के बारे में काफी कुछ दर्शा रहा है। फिल्म एक बार फिर से 1980-1990 के दशक की मुंबई की फैली गैंग वॉर कहानी पर्दे पर लेकर आ रही है। 1980-1990 के बीच सभी पुलिस वालों के दिल में बस एक ही डर था, वो था मुंबई में पोस्टिंग। 1980 के दशक में महत्वाकांक्षी युवा पुलिस कर्मियों की एक ही मंजिल थी मुंबई और नासिक। 1983 बैच के 90 कैडेट वहां तैनात थे। उस समय मुंबई में अंडरवर्ल्ड जबरन वसूली रैकेट से पनप रहा था। करीम लाला, बाबू रेशमी और साजन नायर जैसे गैंगस्टर्स, जिन्होंने बड़ा राजन भी कहा जाता था, शहर पर अपना रुतबा स्थापित करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। मुंबई की सड़कों पर खुलेआम खून बहाया गया, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग दिन का कर्म था। नागरिक बेचैन हो रहे थे और पुलिस वाले बेताब हो रहे थे। इन्हीं 90 कैडेट में से एक थे प्रदीप शर्मा, जिन्होंने मुंबई शहर में कई गैंगस्टर को मार गिराया था। अब फिल्म में उनके किरदार को निभाने जा रहे हैं इमरान हाशमी। जी हाँ दोस्तों, फिल्म में इमरान एक ईमानदार पुलिस वाले की भूमिका में दिखाई देंगे। फिल्म में काजल अग्रवाल भी होंगी, जिनकी पेयरिंग जॉन के साथ की जा रही है। काजल फिल्म में एक निडर युवा लड़की का किरदार निभाएंगी। काजल ने हिंदी में अलावा तमिल और तेलुगु भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया है और हाल ही में उनका सिंगापुर में मदाम तुसाउद्स वैक्स म्यूजियम में मोम का पुतला भी लगाया गया है। तो आपको क्या लगता है, मल्टी स्टारर फिल्म लोगों को पसंद आएगी? क्या फिल्म में किसी रियल लाइफ गैंगस्टर का किरदार निभाते दिखेंगे जॉन? हमें अपने जवाब कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और जल्दी से हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही और ही मनोरंजन फिल्मों की ट्रेलर्स और दिलचस्प जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। इस वीडियो की स्क्रिप्ट सिमरन रावत ने लिखी है और मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए।